हेलो फ्रेंड्स, अभिनव व्यूज में आज की चर्चा में आपका अभिनंदन है। आज हम पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही भूगोल विषय पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आज का विषय होगा सौर मंडल और इसके सदस्य। आज का व्यू सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आज का व्यू यह है कि हमारा सबसे किसी भी सफर की शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत के लिए इसकी एक परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना सेल्फ अप्राइजल से इस सफर की शुरुआत करें। इसका आशय यह है कि हम सबसे पहले आत्म अवलोकन करें। इससे हमारी अपनी सारी स्ट्रेंथ, जो हमारी ताकत है, जिसे वास्तव में हम जीतते हैं, उसका परिचय अपने स्वमूल्यांकन से हो जाता है। ऐसा इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम स्वयं अपनी प्रगति में खुद ही तो बाधक नहीं है। तो इस तरह आवश्यक है कि सभी तरह की बाधाओं को पहले भलीभांति पहचान लें, इनको दूर करने के लिए सारे प्रयास लगा दें, क्योंकि विधाता ने हमें पूरे भरपूर शक्ति देके पैदा किया है और ये हम कर सकते हैं। हमें बस करना ये है कि इन सारी शक्तियों का संयोजन करना है और बस उसके बाद स्टार्ट लेना है। तो अच्छा स्टार्ट आधा सफलता का द्योतक होता है। तो खुद की अपनी सारी क्षमताओं का आह्वान करें और सफलता के सफर पे तब तक चलें जब तक हम सफल नहीं हो जाते। चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं चर्चा की हमारे सौर मंडल से। सौर मंडल में तारा स्वयं सूर्य है और उसके साथ उसके 8 सुंदर से ग्रह, उसके अलावा उनके उपग्रह, और उसके साथ ही बीच बीच में हमारे जो अतिथि ग्रह हैं, जैसे कि उल्कापिंड हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, इन सब से मिलके बनता है सुंदर सा सौर मंडल। प्लूटो भी हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा सदस्य था इसलिए क्योंकि 9th प्लैनेट के रूप में हमारा प्लूटो, 26th मीटिंग जो हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, ये प्राग में हुई थी ऑस्ट्रिया में 2006 में। यहाँ ये तय किया इस विद्वान सभा ने कि ये जो प्लूटो है, ये इसकी जो ऑर्बिट है ये क्लैश करती है नेपच्यून से, और इसका बिहेवियर सामान्य ग्रह की तरह ना होने से इसको अब एक ड्वार्फ प्लेनेट ही माना जाता है। अब ये प्लूटोइड कहलाएगा, यानी ऐसी सेलेशियल बॉडी जो सफिशिएंट मास रखती है लेकिन नेपच्यून से आगे दूरी पर है। इस तरह प्लूटो अब सेरस और इरस आदि ड्वार्फ प्लेनेट्स की श्रेणी में है। इस तरह हमारे 8 विशाल ग्रह और उसके 61 ज्ञात उपग्रह जो मून्स कहलाते हैं, इनकी उत्पत्ति करीब 15 बिलियन वर्ष पूर्व बिग बैंग के उसी धमाके से हुई थी जिनसे गैलेक्सीज बनी हैं और तारों ने जन्म लिया है। बाकी बचा सेलेक्टिव मटेरियल प्लेनेट्स के रूप में और ये बाकी सदस्यों के रूप में ठंडा होकर सूर्य के परिभ्रमण कर रहा है। इसमें विशेषता ये है कि सभी ग्रह एक ही दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य का परिभ्रमण कर रहे हैं, वो भी सन की जो इक्वेटर है उसकी एक थिन ऑर्बिट के आसपास। सूर्य का परिभ्रमण करने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। जिस तरह सूर्य का परिभ्रमण ये ऑलमोस्ट इलिप्टिकल दीर्घवृत्तीय वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, उसी तरह ये अपनी थोड़ी सी टिल्टेड या झुकी हुई एक्सिस पर अपनी एक्सिस के इसमें स्पिन या रोटेट भी करते हैं। ये रोटेशन में भी विचित्र बात यह है कि शुक्र ग्रह यानी वीनस जो प्लेनेट है वो और यूरेनस, ये दोनों उल्टी दिशा में एक्सिस स्पिन करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरह स्पिन करते हैं। इस तरह इनका सवेरा पश्चिम दिशा से होता है। शेष सभी ग्रह अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड। ये रोटेशन उनका एक सौर दिवस कहलाता है, एक दिन और एक रात मिला करके, और ऐसे रोटेशन के कारण इनका ईस्ट से सुबह होती है। जबकि यही ग्रह अपने इलिप्टिकल वे में परिभ्रमण कक्ष में जब घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पूरा एक चक्र लगाते हैं परिभ्रमण सूर्य का, तो ये एक सोलर वर्ष कहलाता है। इन 8 ग्रहों में से जो 4 ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत छोटा उनका आकार है, जिनको हम इनर प्लेनेट्स भी बोलते हैं, और ये हमारी जो एस्ट्रॉइड्स की पट्टी है उसके अंदर होते हैं। यानी सूर्य से जब हम शुरू करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं ये टेरेशियल प्लेनेट भी कहलाते हैं, यानी इनका घनत्व ज़्यादा है, ठोस जमीनें हैं इन पर और ये छोटे हैं अपेक्षाकृत साइज में। एक एस्ट्रॉइड्स की एक पट्टी है पूरी, ये भी छोटे छोटे चट्टानों की तरह समूह हैं,
और ये भी परिभ्रमण कर रहे हैं सूर्य का। इनर प्लेनेट्स के बाद इनकी पट्टी पाई जाती है और उसके बाद शुरू होता है बड़े साइज के आउटर प्लेनेट्स का। ये भी चार हैं, सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस या अरुण, और उसके बाद नेपच्यून या वरुण। इसके अलावा आउटर प्लेनेट्स की एक विशेषता और है कि इनके बहुत ज़्यादा संख्या में उपग्रह हैं, साथ ही बृहस्पति को छोड़कर बाकी तीनों ग्रह शनि, यूरेनस और नेपच्यून में रिंग्स पाई जाती हैं, एक रिंग नुमा फॉर्मेशन उनके आसपास होता है। इसमें शनि के 9 रिंग्स काफ़ी स्पष्ट हैं और यूरेनस और नेपच्यून के धुंधले रिंग्स हैं, नेपच्यून में 5 रिंग्स धुंधले पाए जाते हैं। जबकि आउटर प्लैनेट्स बड़े हैं, विशालकाय हैं, भारी भी हैं, पर इनकी डेंसिटीज अपेक्षाकृत कम हैं। शनि तो इतना हल्का है कि यदि उसे पानी में तैराया जाए तो वो कम घनत्व के कारण तैर जाएगा। आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसी तरह दूरी के हिसाब से सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है मरकरी, और सबसे दूरी पर नेपच्यून या वरुण ग्रह है। इस तरह 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुए उस धमाके से, बिग बैंग से, जो मटेरियल हमारे इस सोलर सिस्टम के रूप में फॉर्म हुआ है, इसकी जो अवधि है लगभग 4.568 बिलियन ईयर्स एगो है। यानी ये माना जाए कि लगभग इतने वर्ष, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये अपने इस स्वरूप में आ गए हैं जो भी वर्तमान में है। अच्छा, इसमें तारा केवल सूर्य बचा, बाकी सभी जो सेलेशियल मटेरियल था वो ठंडा होके नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, यानी जो प्रकाश नहीं देते ठंडे होकर के, प्लस इनका कोई ऊष्मा अपनी नहीं निकलती, ये सूर्य के प्रकाश से ही, रिफ्लेक्टेड लाइट से ही चमकते हैं। सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस, जो पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर थे, उनने इस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के माध्यम से बताया था कि सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और बाकी प्लेनेट इसके आसपास अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये पूरा एंटायर सोलर सिस्टम सूर्य के साथ साथ हमारी गैलेक्सी के परिभ्रमण करता है, जो करीब 220 मिलियन ईयर्स में होती है। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड जो है मरकरी की, जो सबसे नज़दीक है सूर्य के, वो है करीब 47.89 किलोमीटर पर सेकेंड। वीनस की जो है वो 35.03 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमारी जो पृथ्वी है वो 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी ऑर्बिट में सफ़र करती है। और एवरेज ऑर्बिटल स्पीड जो मार्स की है वो 24.13 है। इस तरह इनर ऑर्बिट में सबसे फास्ट मरकरी है, जो केवल 88 दिनों में अपना एक ऑर्बिटल पाथ पूरा कर लेता है। रंगों की विशेषताएं लिए इन ग्रहों की बात करें तो लाल धब्बे और ऑरेंज धब्बे वाला जुपिटर है, तो पूरा लाल ग्रह मंगल ग्रह है, नीला ग्रह हमारी खुद पृथ्वी है, ब्लू प्लेनेट, और ग्रीन कलर का नेपच्यून है हरा ग्रह, ये उसमें मीथेन की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। इसी तरह सबसे तेज चलने वाला जहां पर बुध ग्रह है, वहीं सबसे स्लो मूव करने वाला है नेपच्यून, जो 165 साल में अपना एक परिभ्रमण पूरा करता है। उपग्रहों के मामले में सबसे छोटा परिवार इनर प्लैनेट्स का है, क्योंकि बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह ही नहीं है, पृथ्वी का केवल एक जो हमारा चंद्रमा मून, और मंगल ग्रह के 2 हैं, डीमोस और फोबोस। अब इसमें भी विशेषता यह है, पूरे सौर ग्रह को यदि हम मिलाएं तो इनके जो 61 नोन मून्स हैं उसमें सबसे बड़ा गैनीमेड है। निकटता की बात करें तो सूर्य के सबसे समीप जहां बुध है, तो पृथ्वी के सबसे समीप वीनस यानी शुक्र। एक और जहां वीनस पृथ्वी से लगभग सिमिलर नजर आता है, जिसको ट्विन सिस्टर्स भी बोलते हैं पृथ्वी की, वीनस शुक्र को, इसी तरह सिमिलरिटीज में मंगल भी हमसे काफ़ी समरूपता रखता है एक्सिस, गति, बाकी सब चीज़ों में। मतलब यहाँ पे यदि हम रहवासी किसी अपेक्षा करें तो जिसको कि हम गोल्डी लॉक झोन भी बोलते हैं, यानी जीवन की प्रायिकता जहाँ पाई जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं है। अभी तक हम उसकी खोज में लगे हैं, सबसे जो अनिवार्य आवश्यकता है वायु और जल जो है वो किसी प्लेनेट पर हमें मिल जाए, यानी कि गोल्डी लॉक झोन मिले, इसके अभी भी प्रयास जारी हैं। केवल पृथ्वी हमारी ऐसी है जहाँ पे टेम्परेचर और इजी लिक्विड वाटर के लायक एक जोन बना हुआ है। सो अप टू नाउ अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन गोल्डी लॉक जोन ऑफ द सोलर सिस्टम।
अब हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल के मुखिया यानी सन की। सूर्य हमारी मिल्की वे में 2/3 डिस्टेंस पर जो आर्म है उसका एक युवा तारा है, इसलिए इसका रंग येलोइश रेड है। इसका कंपोजिशन मोस्टली हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और बाकी जो आयरन या बाकी कार्बन का जो परसेंटेज है वो 2.5% है, माइन्यूट अनर्ट गैसेस। इसकी जो कोर है वो 15 मिलियन डिग्री केल्विन 1.5 × 10⁻⁷ इस रेंज का टेम्परेचर है वहाँ कोर में, सेंटर में। और फोटोस्फीयर जो सबसे चमकदार बाहरी सतह जो हमें दिखती है प्रकाशवान, उसकी उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये युवा तारा अपने 5 अरब वर्ष लगभग पूरे कर चुका है, हाफ वे लाइफ पर आ चुका है। और इसको जो ऊर्जा मिलती है वो इंटरनल फ्यूज़न से हाइड्रोजन के और बाकी हीलियम के, इसके फ्यूज़न से ऊर्जा मिलती है। ये एक तरह का प्रोटोस्टार है। इसका जो कोरोना या जो परिमंडल कहलाता है वो सूर्य के चारों, उसमें एक फ्लेयर जैसे आग की लपटों की तरह निकलती रहती हैं, वो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही हमें डायमंड रिंग की तरह महसूस होती हैं, दिखती हैं। इतने टेम्परेचर पे सूर्य में सभी एलिमेंट लगभग प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। इससे उनके उनसे आने वाली जो प्रकाश किरणें रहती हैं वो उनके स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्ब्ड लाइन दिखती हैं, तो स्पेक्ट्रम के एलिमेंट्स में जो काली रेखाएं हैं उनको हम फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य से प्रकाश करीब 500 सेकंड यानी 8 मिनट, मोर प्रिसाइसली 8 मिनट 16.6 सेकंड में हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। सन का डायामीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का क्रोमोस्फीयर वास्तव में जो फोटोस्फीयर है उसके बाहर की जो परत है गैस की जलती रहती है वो कहलाता है क्रोमोस्फीयर। सूर्य में जो सन स्पॉट्स होते हैं काले धब्बे वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वो क्षेत्र होते हैं जो कम ताप का उत्सर्जन करते हैं, वो सन स्पॉट्स कहलाते हैं। पृथ्वी के रिलेटिव बात करें तो पृथ्वी से जो एवरेज डिस्टेंस है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमारा पृथ्वी से। अच्छा, ये जो माध्य दूरी है इसको हमने एक यूनिट की तरह भी विकसित किया है। ये जो दूरी है इसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरह लेते हैं। साथ ही सूर्य का जो प्रकाश है उसका एक वर्ष में लगातार तय की गई दूरी जो है वो एक प्रकाश वर्ष या वन लाइन ईयर की तरह उसकी यूनिट लेते हैं, ये लगभग होती है 9.41 × 10⁻³ किलोमीटर। सन हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, 109 टाइम्स बिगर। सूर्य की असीमित ऊर्जा जो है वो कोर से, उसके कोर से आगे की तरफ कन्वेक्शन जोन होते हुए फोटोस्फीयर से रेडिएट होती है और ये हीट और लाइट के फॉर्म में बाहर की तरफ आती है। जो रिलेटिवली डार्क और कूल एरियाज होते हैं उनको हम सन स्पॉट बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी कहा जाता है उनका बनना। और दूसरी जो उसमें बड़ी घटना होती है वो होती है सडन डिस्चार्ज ऑफ फ्लेयर्स यानी हाई एनर्जी रेडिएशन, अचानक एक लपट की तरह निकलता है और जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसमें फैल जाता है। ये कोरोनल मास इजेक्शन की घटना प्रायः 11 साल में एक सोलर विंड की तरह हमारे पृथ्वी में महसूस की जाती है और बाकी जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसमें, इससे हमारे, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया है, इससे हमारी जो ट्रांसमिशन संचार सेवाएँ हैं और जो भी इलेक्ट्रीफाइड आयोनाइज्ड बेस्ड हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है व्हाटएवर जो भी हैं उनमें ही इफेक्ट करता है ज़बरदस्त। ये जो रेडिएशन रहता है हमें आयोनिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रिमेंडियस असर डालता है। बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं अरोरा बारिलियस भी है, ध्रुवीय ज्योतियां जिनको बोलते हैं। यदि हम पृथ्वी के नॉर्थ साइड में चले जाएं, नॉर्थ पोल पे, तो सूर्य से आने वाले आयोनाइज्ड रेडिएशन के कारण ही हमें वहाँ चमकदार दीप्तियां दिखाई देती हैं, चमकदार लाइट्स अलग अलग कलर की फ्लेयर, वो इसे अरोरा बॉरेलियस बोलते हैं। हमें नॉर्थन क्षेत्र में भी दिखती है और सदर्न पोल पे भी दिखती है, जो हम ध्रुवीय ज्योतियां भी कहते हैं उन्हें। इस तरह सोलर विंड या चुंबकीय तूफानों और अरोरा बॉरेलियस के अलावा एक और बड़ी विचित्र घटनाएं भी है जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, वो है ग्रहण की, इक्लिप्स की। ये ग्रहण होते क्यों हैं? जब हमारा मून, जो हमारा उपग्रह है, वो रोटेट करता, घूमता हुआ हमारे आसपास परिभ्रमण करता हुआ पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो इस मून की छाया
हमारे पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस वजह से कुछ भाग सन का स्पॉटेड ब्लैक दिखता है उस क्षेत्र के निवासियों को पृथ्वी के, क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसका चंद्रमा का। इस तरह से इक्लिप्सिस बनते हैं। इक्लिप्स की टोटलिटी हमें उम्ब्रा जोन में, यानी जो इनर पार्ट होता है शेडो का, सबसे डार्क शेडो का उम्ब्रा, वहां पे हमें टोटलिटी ऑफ द इक्लिप्स दिखती, सोलर इक्लिप्स। इसके अलावा जो आउटर पार्शियल शेडो का जोन रहता है उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं, उम्ब्रा यानी उपछाया, जबकि उम्ब्रा को हिंदी में प्रच्छाया कहते हैं। इक्लिप्स में एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो सूर्य की दूरी है अर्थ से वो लगभग 400 गुना है मून से जो डिस्टेंस है उससे, तो इसी तरह जो सन का डायमीटर है वो भी करीब करीब 400 गुना है मून के डायमीटर से। इस तरह मून पूरी तरह से सूर्य को कभी भी नहीं ढक पाता है, और एक पार्शियल इक्लिप्स बनता है जब सन और मून को पूरा एग्जैक्टली ना करके पार्शियली ढांकता है। टोटल इक्लिप्स भी तब होता है वो केवल उतने ही रीजन में, डार्क शेडो में, जहां पे मून कंप्लीटली ढक लेता है, जहां पे उस रीजन के जो लोग रहते हैं उनको पूरा सन जो है वो डार्क जोन में नजर आता है, ये उम्ब्रा कहलाता है। लैटिन वर्ड उम्ब्रा जो है वो द इनर मोस्ट और डार्केस्ट पार्ट है शेडो का। पेनुम्ब्रा ऐसा रीजन है जहां पे कुछ जो पूरी लाइट में से कुछ जो है वो ऑब्स्क्योर होता है। जो एंटीउम्ब्रा रीजन रहता है वो एक लैटिन एंटे वर्ड का है जिसका मतलब होता है बिफोर। ये वो रीजन होता है जहां पे जो खड़ा होता है व्यक्ति पृथ्वी पे उसको उसके आसपास रिंग नजर आती है, पूरा ब्लैक बॉडी के आसपास रिंग नजर आती है, इस तरह का सीन जो होता है ये उस वो क्षेत्र जोन कहलाता है एंटीउम्ब्रा। ये जस्ट एक एन्युलर बॉडी की तरह एन्युलर इक्लिप्स दिखता है जिसमें ब्राइट रिंग जो रहती है, एकदम चमकदार रिंग जो रहती है उसको विजिबल रहती है अराउंड द इक्लिप्सिंग बॉडी। तो लास्ट नॉन सेंट्रल सोलर इक्लिप्स था वो अप्रैल 29 को 2014 में दिखाई दिया था, ये एक एनुलर इक्लिप्स था। और जो नेक्स्ट होना संभावित है नॉन सेंट्रल टोटल सोलर इक्लिप्स, वो संभावित है 9 अप्रैल 2043, मतलब 2043, यानी तकरीबन 24 साल बाद हम ये देख पाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जो कोने में चमकदार थोड़ा सा प्रकाश दिखने लगता है वो जो मून का जो सरफेस है उसके उससे आने वाला रहता है, जिसको बैली बीड भी कहते हैं, और वो एक रिंग डायमंड रिंग की तरह इफेक्ट देता है। जब काफ़ी लंबे रीजन का वो चमकदार एरिया दिखाता है तो वो बैलीज बीड कहलाता है, और अदरवाइज वो एक पूरे रिंग सर्कुलर रिंग की तरह हल्का कोरोना चमकता हुआ दिखता है, और बीच में किसी एक वैली स्पेस से ज्यादा चमकदार दिखता है, दैट इज डायमंड रिंग इफेक्ट। स्टार सूर्य हमेशा ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है, तो मानवीय प्रयास भी हमेशा होते रहे। करीब 28 मिशन इस पर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ खास मैं जिक्र करना चाहूँगा, जेनेसिस जो था ये पहला स्पेस क्राफ्ट था जो सोलर विंड्स के सैंपल्स लेने के लिए भेजा गया था 2001 से 2004 के बीच में। हाई नोट था 2006 के लिए, पार्कर सोलर प्रॉप था ये कॉर्नल स्टडी के लिए था, ऐसे ही ट्रेस था इसका ये ट्रांसमिशन रीजन और कॉर्नल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्लाज्मा होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका स्पेशली अध्ययन करना। ओलेसिस जो था वो नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसका जॉइंट वेंचर था, इसके सूर्य की जो अस्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं इनको देखने के लिए, अपना ज्ञान मानव का बढ़ाने के लिए हम लगातार उस पर जारी हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत ने अपना आदित्य L1 मिशन प्रिपेयर कर लिया है जो लॉन्ग रेंज जो एक्सेस होती है हेलियोस्फेरिक स्टडी के लिए, कोरोनल स्टडी के लिए ये भेजा जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इस सोलर मंडल के बारे में जो चर्चा है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में, इसके कंटिन्यूएशन में, जिसमें हम लेंगे इनर प्लैनेट्स को, आउटर प्लैनेट्स को, और अर्थ और मून की स्पेसिफिक स्टडी करेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी। ये पूरी आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा हमारा प्रयास, और इसे आप जरूर देखें, पूरा देखें। हाँ, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके कमेंट्स से जहां हमें आपकी रुचि का ज्ञान होता है वहीं हमें इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अच्छे सजेशंस भी मिलते हैं। बहुत विलक्षण जानकारियां हैं, इसे जानने के लिए इसको पूरा अवश्य देखें, सब्सक्राइब अवश्य करें अभिनव व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।